संवैधानिक पदों की चर्चा हो रही थी, स्पीकर संवैधानिक पद है, लीडर ऑफ अपोजिशन संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है। बात छोटी सी थी जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया कि जब आप स्पीकर से मिलने जाते हैं, जब वो चुन लिए जाते हैं, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया था कि जब वो हमसे मिलते हैं और जब प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हैं, दोनों अप्रोच में बहुत फर्क है, भाव भंगिमा में फर्क है। जिसका जिक्र स्पीकर ने क्या सफाई दी, उन्होंने कहा नहीं हमारे से उम्र में बड़े हैं और शिष्टाचार की बात है, शिष्टाचार होनी चाहिए, लेकिन हम संवैधानिक पदों की बात कर रहे हैं और लोकसभा के अंदर की बात हो रही है। लोकसभा में आप स्पीकर हैं और चाहे वो प्रधानमंत्री हो, प्रतिपक्ष के नेता हो, उनको बराबरी से पेश आना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सत्ता पक्ष की फ्रंट बेंचेस ने इशारा किया कि खड़े हो जाओ, और खड़े होकर पूरा सत्ता पक्ष खड़ा और जय श्री राम और मोदी 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 से ये चिल्लाना शुरू कर दिया। कभी पार्लियामेंट में मैं खुद पहली बार गया था तो मुझे ये एहसास हुआ कि पार्लियामेंट में कुछ तो तहजीबें होनी चाहिए, मुझे नहीं मिली। हम पार्लियामेंट में और हम ये समझते हैं कि हम लोग वहाँ पर जाते हैं इंसान और इंसानियत के लिए। आज देश के अंदर इतना बड़ा स्कैम हो गया नीट का कि 24 लाख बच्चे और उनके परिवार जो उनसे जुड़े हुए हैं वो किस जगह पे हैं। अगर हम उसकी डिमांड कर रहे हैं कि आप इस पर स्टेटमेंट दे दिए या आप इसकी इंक्वायरी कराइए, तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है। मैं जब पार्लियामेंट में था कितनी बार हमने मणिपुर पे हमने वॉकआउट करा, पार्लियामेंट नहीं चलने दी, क्या गलत करा? हमारी बहन बेटियों के साथ जो सलूक वहाँ पे हुआ, शायद इंसानियत ने ऐसे मंजर कभी नहीं देखे होंगे जो मणिपुर में हम सब लोगों ने देखे। मुझे लगता है जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं इसमें विपक्ष वर्सेस रूलिंग पार्टी होना ही नहीं चाहिए। सुप्रिया जी ने कहा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जो एक मिनट शाहनवाज भाई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कि अगर विपक्ष कुछ कह रहा है तो उसकी बात भी सुन लो। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि त्यागी जी बैठे हैं पार्लियामेंट में रहे हैं, मैं भी 3 बार पार्लियामेंट में रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि सरकार बनी हो, स्पीकर बने हो, स्पीकर के बाद विपक्ष के नेता, नए विपक्ष के नेता आए हों और उसके बाद पहले सेशन राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस तरह का हंगामा बर्पा कर देना। एक बात मैं कहना चाहता हूं, सत्र मिला है ना, नहीं बोलने दे रही है इनको। नहीं नहीं, मैं बस एक बात कहना चाहती हूं, मेरा इस ये इंटॉलरेंस है कांग्रेस पार्टी, इस राउंड में टर्न नहीं आया था मेरा, इसलिए मैं बोलना चाह रही थी, इन्होंने शुरू किया था ये राउंड। देखिए बुरा मत मानिएगा, सामने वाले से पूरी मर्यादा की अपेक्षा, सारा मर्यादा का ठीकरा हमारे सर पे। मैंने भी कभी नहीं देखा था कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री चुनावी मंच से मंगलसूत्र, भैंस, टोटी चुरा लेंगे, बिजली गायब कर देंगे। का मुद्दा ये नहीं, एक मिनट, मर्यादा की बात हो रही है, मुजरा, ये तो हमने भी कभी नहीं देखा था। तो सामने वाले ने भी मर्यादा पूरी तरह से तार तार कर दी। मेरा अपना मानना है, एक मिनट रुक जाइए शाहनवाज भाई, मेरी अपनी, मैं आपके बीच में नहीं बोलती। मेरा मानना है एज नेता प्रतिपक्ष, राहुल गांधी ने पहले दिन खड़े होकर कहा हम सबको नीट पर चर्चा करनी चाहिए, आप चर्चा लीड करिए, हम नहीं लीड करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने एक नहीं सुनी, आज सरकार कोई और एफिडेविट दे रही है, एनटीए कुछ और बोल रहा है, 24 लाख बच्चों को क्या होगा नहीं पता। राहुल जी ने कहा मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, मणिपुर चले जाइए, 15 महीने हो गए मॉस्को जाएंगे, मणिपुर नहीं जाएंगे। राहुल जी ने कहा अग्निवीर पर चर्चा होनी चाहिए, भ्रमित करने के लिए बोला गया कि उनको 1 करोड़ मिलते हैं, जी नहीं, वो इंश्योरेंस है, सरकार का कॉम्पेंसेशन अलग होता है, जो स्टेट से मिला उसको अपने में मत जोड़िए। तो बार बार नेता प्रतिपक्ष अगर जनता की आवाज उठा रहा है तो उन मुद्दों को आप भी सुनिए। जी चर्चा ये हो रही है कि राहुल गांधी एज ए विपक्ष के नेता तो परफॉर्म क्या रहे हैं, ये आप इलेक्शन कैंपेन में चले गए, मंगलसूत्र कहा, मटन कहा, जो कहा, इसलिए आप वहाँ चले गए। जो प्रधानमंत्री ने भाषा की मर्यादा तोड़ी उस पर कभी कोई चर्चा नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ इस देश में एक महिला होने के नाते मैंने मुजरा सब सुना है, मुझे गुस्सा आती है उस बात की। जैसा कि आप जानते हैं कि ये AI का जमाना है, हमारी AI होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं आपकी AI होस्ट सना हूँ। मैं यहाँ बैठे तमाम स्पीकर्स से पूछना चाहूँगी कि PM मोदी की वैश्विक लोकप्रियता को देखते हुए क्या नेता विपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे?
मुझे ऐसा लगता है लोकसभा में टक्कर देने के लिए आपको मुद्दों की बात करनी है, निर्भीकता से करनी है, बिना कॉम्प्रोमाइज होके करनी है, आंख में आंख डाल के करनी है, और अगर वो कोई कर सकता है तो राहुल गांधी कर सकते हैं। पूरे विपक्ष को साथ लेके चल रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात उठा रहे हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमारे देश का मणिपुर जल रहा है, हम मॉस्को में हाथ हिला रहे हैं। ये कौन सी यही वैश्विक उसकी बात हो रही है ना? देखिए, मैं सुप्रिया जी की बात रुक गई थी, बोलिए। मैं सुप्रिया जी का जवाब दे रहा था, तो आप कांग्रेस नहीं, शुरू में जो कह रही थी ना, वो सवाल ये है। हाँ, वो मैं उसका भी जवाब उसी में देता हूँ, लेकिन अधूरी रह गई सुप्रिया जी। मटन मंगल लेकर आई थी प्रधानमंत्री के लिए, आपने क्या क्या नहीं कहा। दूसरा ये था कि पहले दिन जो मैंने सवाल दिया उसका जवाब आपने नहीं बोल दिया, उसका जवाब आपको देना चाहिए कि पहले दिन जब फ्लोर पर राहुल गांधी जी गए तो उनको क्या याद किया जाएगा। एक घंटा 40 मिनट बोला, ठीक है आपने मुद्दे उठाए, याद किया जाएगा कि भगवान शिव को भी नहीं दिखाने दे रहे हैं आप लोग। देखिए, याद किया जाएगा, भगवान शिव को भी नहीं दिखाने दे रहे हैं आप लोग को। शिव जी से भी तकलीफ है, उनसे भी चिढ़ है। शिव ये भाजपा की तो क्या तांडव कराएंगे आप अपने विधायकों से? ये पार्लियामेंट की बहस नहीं है। वेल के अंदर भेजेंगे, उकसाएंगे, क्यों भेजेंगे? अगर सोती हुई सरकार नहीं सुन रही है तो कोई जगाएंगे? सुप्रिया जी, पहला सरकार को जगाने का काम तो विपक्ष करेगा। व्यवहार सवाल का जवाब दिया मोदी जी ने। अगर हम पहला दिन क्या बात है, हमारे जो पार्लियामेंट ऐसा नहीं होता है। अगर हम ये सवाल है, कब होता है पार्लियामेंट? कब होता है? हाल ही में कब होता है? पहले त्यागी जी बताइए, कभी ऐसा हुआ? चाहे किसी की सरकार हो, देखिए चाहे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री। सवाल ये है, पहले जवाब नहीं देना चाहिए। देखिए अभी हाल में जवाब दे दूं, देखिए अभी हाल में ही जवाब दे दूं। हाँ बोलिए। सना के सवाल को शर्मिंदा नहीं करना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है पूरे देश दुनिया में है, उनके मुकाबले कुछ नहीं है। चले जाए और आज प्रधानमंत्री अगर वहां गए रशिया से, सस्ता तेल जो आप लोग गाड़ी पे चढ़ के आए हैं आशुतोष जी, वो जो तेल सस्ता है मोदी की कूटनीति है। बुरा मत मानिएगा, इसलिए अगर रशिया से तेल ना लेते, रशिया से तेल ना लेते तो आप और महंगा मिलता। रशिया से तेल ले रहे हैं, दुनिया को बेच रहे हैं। शाहनवाज भाई, $10.5 billion IOC, BPCL, HPCL, रिलायंस और नयारा ने कमाया $10.5 billion, 900 अरब रुपए। हमारा तेल का दाम तो नहीं सस्ता हुआ, देश की जनता तो अभी भी महंगा अभी भी तेल खरीद रही है। रशिया से तेल ना लेते तो तेल का दाम आसमान छूता। और अगर कांग्रेस माफ करना, आप सब लोग विषय से दूर हो रहे हैं। मुझे लगता है राजीव, क्या राहुल गांधी इनका मोदी जी से तुलनात्मक तरीके से वैश्विक पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकते हैं? मेरा मानना ये है कि इस बार कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष बने हैं। 2 बार से उनके पास इतने सांसद नहीं थे कि नेता प्रतिपक्ष हो, उसमें सुख सुविधाओं के अलावा समय और जो डिसीजन मेकिंग कई संस्थाएं हैं उसमें जाने का मौका मिलता है, जो पहले कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के पास नहीं था। इतना मेरा जरूर आग्रह है सुप्रिया जी आपसे कि कुछ समय, ये आज का नहीं है, 1952 मालवलंकर के टाइम से, पीजी मालवन के टाइम रूलिंग पार्टी को 6 महीने परखिए, क्योंकि आप 10 साल इतना परख लिए हैं कि अब 1 महीने भी परखने के लिए तैयार नहीं है। 6 मिनट नहीं परखा इन्होंने, 6 महीने परखिए। जो अच्छे काम नहीं होते हैं उसकी आलोचना कीजिए, जो अच्छे काम होते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडो पाक वार में मिसेस गांधी की तारीफ की थी बांग्लादेश के सवाल पर। मीट पर आलोचना बनती है कि नहीं बनती? आप मैं कह रहा हूं कि शहनवाज जी ने अभी मैं उस मोड में नहीं हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। शहनवाज जी ने अभी जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पॉपुलर लीडर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी के मामले में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी कम है। मुझे लगता है सिर्फ पॉपुलैरिटी से काम नहीं चलेगा, मुद्दों का महत्व है, मुद्दों से काम चलेगा। अगर अभी T20 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ, पॉपुलैरिटी अगर आप क्रिकेट की पॉपुलैरिटी रेटिंग में देखें तो ऑस्ट्रेलिया तो बहुत आगे थी अफगानिस्तान से, लेकिन अफगानिस्तान ने धो डाला ऑस्ट्रेलिया को। तो अगर आप मुद्दों को उठाएंगे, पॉपुलैरिटी रेटिंग को छोड़ दें, अगर आप मुद्दों को उठाएंगे तो निश्चित रूप से आप मुकाबला कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से मुद्दों को उठा रहे हैं, मुझे लगता आने वाले समय में बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री के लिए और भी चुनौती है। कोई भी सरकार, एक लाइन ऐड कर दे रहा हूँ, कोई भी सरकार बनती है कहीं भी तो लोग कहते हैं हनीमून पीरियड है, टाइम देंगे, सरकार को परखेंगे। आप 6 मिनट बर्दाश्त करने को तैयार नहीं,
आप मोदी को बर्दाश्त करने को, देखने को प्रधानमंत्री वो बन कैसे गए ये देखने को तैयार नहीं है, तो हम विपक्ष के नेता से क्या उम्मीद करें बताइए। 2002 से सुन रहे हैं मोदी जी को आप लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, बर्दाश्त करने के लिए तैयार कहाँ करते हैं। मैं और मैं चैनल का हेड भी था, मैं लगातार ये सुन रहा हूँ। अभी भी पत्रकार हैं क्या? एक मिनट, बुरा लगेगा। अभी पत्रकार हैं। कभी इंट्रोस्पेक्शन करिए कि क्यों आप इस तरीके की बातों की बात करते हैं। भाई वो सदन के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लगातार तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं, जरूर उनके उपलब्धि। लेकिन अगर इस देश के अंदर अगर आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे तो कहेंगे आप प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर रहे, ये कौन सी बात? मैं तो एक बार पूछना और गाली देना, फिर तो ये बात आएगी किसका? मर्यादा में आप कुछ भी गाली देने की शुरुआत किसने की? चलिए एक बात बता दीजिए, गाली देने की शुरुआत किसने की? किसने गाली देने की शुरुआत की? 2002 से आइए, 2002 से बात करते हैं, किसने गाली देने की शुरुआत की? किसने कहा? किसने? अनुराग ठाकुर ने स्पीच शुरू की, जवाब विपक्ष के नेता ने दिया। ये शुरू यही से हुआ ना, पीएम तो राहुल गांधी के बाद बोले हैं साहब। धन्यवाद भाई, आप तो पीएम को बोले नहीं। कौन सी मर्यादित बात बोली राहुल गांधी? कौन सी बात बोली? शुक्रिया, मैं अपनी बात कंप्लीट। सानवा जी पे इकट्ठा अटैक किया जा रहा है, मैं बीच में बोलना चाहता हूं। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, मुझे ऐसा लगता ये है कि ये वैश्विक लोकप्रियता है, लोकप्रियता नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसद के अंदर जब आप हैं तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष का काम है प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द चक्रव्यूह की रचना करना। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने बोला, मैं राहुल गांधी कोई बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, ना मैं नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसक हूं, लेकिन उनके भाषण में प्रधानमंत्री जी को दो बार खड़े होना पड़ा, रक्षा मंत्री को खड़ा होना पड़ा, गृह मंत्री को खड़ा होना पड़ा, कृषि मंत्री को खड़ा होना पड़ा, यह दर्शाता है कि जो सवाल वो खड़े कर रहे थे उन सवालों से सरकार निपट नहीं पा रही थी, उनको चुभ रहा था और बार बार उनको इंटरवीन करके कहने के उनको डिरेल करने की कोशिश की गई। ये अपने आप में साबित करता है कि अजय नेता विपक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को साबित। आशुतोष जी, वैश्विक लोकप्रियता से फर्क पड़ता है। 82 में मिसेस गांधी जो हैं नेम की चेयरमैन बनी थी, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका था। और जब इंडो पाक हुई वार हुई है उसमें निक्सन जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा था, जिस तरह सातवां बेड़ा, इंदिरा गांधी ने जिस तरह से जवाब दिया है, मैं तो कभी उनका प्रशंसा नहीं रहा, मैं तो जेल में रहा, लेकिन इंदिरा गांधी को हम भी आज सैल्यूट करते हैं। तो आपकी किसी मामले में अगर नरेंद्र मोदी अच्छा काम करते तो आपको सैल्यूट करने में क्या दिक्कत है? मैं जेल में जाके इंदिरा गांधी को सैल्यूट करता हूँ फॉर इंडो पाक वार। कसम खाए बैठे हैं आप मोदी की हर बात की मुखालफत ही करनी। शाहनवाज भाई, अब आप बोल चुके हैं, मैं तो आपके बीच में नहीं, छोटी सी बात यहाँ पर सबके सामने। मेरी बात की तारीफ नहीं की आपने, शुक्रिया। बिल्कुल तारीफ करती हूँ, मैंने तो सबसे पहले कहा था मैं आपसे सीखती हूँ, अब जिससे सीखते हैं तो उसकी उससे ज्यादा क्या तारीफ। मैंने तो पहले इंदिरा जी की तारीफ की, बिल्कुल इंदिरा जी की तारीफ तो अटल जी ने भी की थी। और मुझे लगता है ये राजनीति का बड़प्पन था तब, शायद वो बड़प्पन अब नहीं है क्योंकि सामने वाले से भी नहीं आता। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहती हूँ, एक महीना आपकी सरकार को हो गया, आप छह मिनट की बात कर रहे हैं। एक महीने में नीट का पेपर लीक हुआ, यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, नीट पीजी कैंसिल हुआ, सीएसआर नेट कैंसिल हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय का लॉ पेपर कैंसिल हो गया। आपदा अगर असली है तो पेपर लीक और परीक्षा कैंसिलेशन की है, उस पर अलग अलग बयानबाजी होगी, प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। चलिए, बालासोर में 300 लोगों की मौत हुई थी, 1 किलोमीटर उसके आगे कवच नहीं बढ़ाया गया, 50 लोगों की फिर जलपाईगुड़ी में मौत हो गई रेल एक्सीडेंट में, मंत्री जी रील बनाते हैं, छोड़िए। आतंकवाद पर इतनी आप लोग डींगे हाँकते हैं कश्मीर पर, अरे कश्मीर में 8 सैनिक 10 सिविलियन शहीद हो गए एक महीने के अंदर, 5-5 वहां पर, 7-7 वहां पर आतंकी मुठभेड़े हो गई हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? आटा दही दाल तो छोड़ दीजिए, टैक्स टोल टैक्स सीएनजी सब महंगा हुआ जा रहा है, तो सरकार से ही तो सवाल पूछा जाएगा। और सवाल पूछने का ये मतलब थोड़ी कि हम आपको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं या हम अमर्यादित हैं। मुझे लगता है ये जनता के सवाल है, ये सवाल पूछने के लिए हमें जनता ने एक रोल दिया। मैं कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल पूछिए, कि जो आप बहस इतनी कर रही है, सवाल उठा रही है, मैं उसकी दाद देता हूँ। काश आप महाराजगंज से लोकसभा की एमपी होती तो कितना कांग्रेस पार्टी का देश का फायदा। मुझे ऐसा लगता है, नहीं आपका सवाल बहुत अच्छा है और क्योंकि आप मेरे शुभचिंतक हैं, मुझे ये बिल्कुल बताने में कोई गुरेज नहीं है कि मेरे पास एक बड़ी रिस्पांसिबिलिटी सोशल मीडिया की थी, इसलिए मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ी और हो सकता है हमारी इच्छा है ना ये बिल्कुल, और आपकी इच्छा सर और इंशाल्लाह आगे हो जाएंगे। बट लेकिन एक बार शाहनवाज मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं चाहता हूँ, ये जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं हर मसले पर इंदिरा गांधी की आलोचना करते हैं आपातकाल को लेकर, क्या एक बार भी उन्होंने 1971 के लिए पाकिस्तान के दो टुकड़े करने के लिए कोई प्रस्ताव पारित किया सदन के अंदर, कैबिनेट पारित किया, एक शब्द कहा कि जो पाकिस्तान हिंदुस्तान को इतना तोड़ने में लगा हुआ उसको इंदिरा गांधी ने तोड़ा? करेक्ट। क्या ये छोटी छोटी घटना है?
आप छोटी छोटी अमेरिका को चुनौती देते हैं तो आप अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तारीफ मोदी जी को नहीं करते नहीं है नहीं आप भी बड़ी पार्टी आज कल सुप्रिया जी आप तीसरी ताकत कांग्रेस का जवाब नहीं देंगे तो शानवास ये भी तीसरी पार्टी बोलने दीजिए। देखिए जो सवाल एंकर ने अभी करा है पूरा तो हो गया जो पूरा देश देख रहा है कि राहुल जी में वो सारे पोटेंशियल है जो एक वैश्विक लीडर में होते हैं सबने देख लिया। वो जो इमेज कुछ गोदी मीडिया ने बनाई थी कुछ कह के उन्हें वो सब खत्म हो चुकी है। मैंने आप तो इंदिरा जी को कह रहे हैं जब श्री जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के लीजेंड थे जवाहरलाल नेहरू जी 9.5 साल जेल में रहे जंग आज़ादी में मैंने उनके ऊपर टिप्पणियां पार्लियामेंट में सुनी हैं मुझे बहुत बुरा लगता था बल्कि मैंने ऑफ द रिकॉर्ड उनसे ओम बिरला जी से कहा कि देश के फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ आप मत सुनिए रोक दिया करिए क्योंकि वो बच्चा बच्चा उनका सम्मान करता है। आज क्या हो रहा है जो जवाहरलाल नेहरू जी को जितना बुरा भला कहते हैं इंदिरा जी डॉक्टर लोहिया ने उससे ज्यादा खराब हो जाता है। डॉक्टर लोहिया ने बीजेपी से ज्यादा आलोचना की बट क्या त्यागी जी डॉक्टर लोहिया नेहरू जी के बीच में रिश्ते तो आप भी जानते हैं क्या दुश्मनी का था क्या दुश्मनी का वैमनस्य क्या थे भाई मैं तो एक सवाल पूछता हूँ मैंने एक सवाल किया मैंने कहा इंदिरा गांधी के आपातकाल के लिए आलोचना होनी चाहिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब बोला। आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहस खत्म करने से पहले बारी है फोटो राउंड की। इसमें बारी बारी से आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आप सभी को उन तस्वीरों पर एक एक लाइन बोलकर क्लोजिंग कमेंट देना है। पहली तस्वीर आप वीडियो देखिएगा तो बड़प्पन राहुल जी ने दिखाया था हाथ पहले राहुल जी ने मिलाया था बढ़ाना शायद मोदी जी को चाहिए नहीं, था नहीं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि राजनीति इस तरह की होनी चाहिए हर चीज में अगर सियासत करेगा सत्ता पक्ष तो राजनीति होनी बड़ी मुश्किल है। ये बेहतरीन तस्वीर है जिसमें देश के आंख नहीं मिला पा रहे लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने राहुल जी को आगे बढ़ के उनका स्वागत किया। मैं तो एक ही बात यही व्यवहार राहुल जी को उनसे सीखना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहूंगा दुश्मनी इतनी करो कि अगर अगली बार मिले तो कम से कम एक दूसरे के प्रति शर्मिंदा ना हो। सही कहा राहुल जी के बारे में आप समझाइए। मुझे लगता है पा रहे हैं वैसे मोदी जी मुझे लगता है इस तस्वीर के बारे में मेरी एक लाइन है सबका टाइम आएगा। बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री की विनम्रता और राहुल गांधी जी की आक्रमकता दोनों इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। देखिए ये बेहतरीन तस्वीर है हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऐसे ही लोग मिलते रहें और दिल से मिलें ये नहीं ऊपर ऊपर राहुल जी ने हाथ बढ़ा दिया तो उन्होंने हाथ मिला लिया हमेशा दिल से मिलें और देश के लिए काम करें। मैं तो एक ही बात कहूंगा मोदी जी अगर पुतिन को गले लगा सकते तो राहुल गांधी को क्यों नहीं। राहुल जी ने तो लगाया उनको गले एक बार पहले मैं उल्टी बात कह रहा हूँ और फिर जब गले लगाते दबा के बात करें राहुल जी ने आग दबाई थी इतना तो सेंस ऑफ ह्यूमर चलता है। दूसरी तस्वीर देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के धरती से जो पैगाम आया है मोहब्बत का और सत्य की असत पे जीत का आया है वो ये दर्शाता है और हमारी जो तीसरी बड़ी समाजवादी पार्टी देश की है उससे राहुल जी और अखिलेश यादव जी जो हाथ मिला रहे हैं हम चाहते हैं ये अटूट रिश्ता बना रहे और पूरे देश को सांप्रदायिक शक्तियों से दूर रखें। वो अलग बात है कि केसी त्यागी जी और इनके नीतीश कुमार जी का भी डीएनए हम जैसा है काश मजबूरियां हैं। काश अखिलेश यादव की जगह आज नेताजी होते राहुल जी की जगह राजीव जी या सोनिया जी होती और मैं भी साथ में होता नजारा कुछ और होता बेशक। नहीं ये तस्वीर अच्छी है लेकिन तो जो दूसरी तस्वीर है वो बीच उन्होंने अपनी स्पीच में उनसे इस तरह से हाथ मिलाया था ऐसे जब बोलते हैं तो सिर्फ चेयर को एड्रेस करते हैं लेकिन वो हाथ उनसे मिलाया है संदेश वो अलग दे रहे थे कि अयोध्या पर चर्चा में हाथ मिलाया है तो हाथ दिल भी मिलाना चाहिए। ऐसे तो सपा और कांग्रेस के लोग कई बार मिले हैं अलग हुए हैं हाथ तो उनके बहुत बार मिले हैं इस बार मिलकर लड़े हैं तो हाथ मिला रहे हैं अब देखिए ये हाथ कब तक मिला रहता है। मैं बोलती हूँ उस पर मुझे लगता है यूपी के 2 लड़कों ने तो कमाल ही कर दिया पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर प्रभु राम की नगरी से प्रेम का मोहब्बत का पैगाम और रामचरितमानस की वो लाइन
दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं व्यापा, उसी राम राज की परिकल्पना गांधी ने करी है और उसी की परिकल्पना हम सब करते हैं। मुझे लगता है इस तस्वीर पर मेरी लाइन है, हम दोनों ने मिलकर कर दिखाया। बट इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, चूंकि पॉलिटिक्स है इसलिए जो कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो मिलोगे गले तपाक से, वाह ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से। क्या बात कर, पॉलिटिक्स में कब हाथ मिले और कब फासला रखा है, थोड़ा सा फासला है, गले नहीं मिले। फासला तो इधर भी था थोड़ा बहुत। जब गले मिलता है तो आप कहते हैं गले पड़ गए, कैसे मिले गले।